आज मैं आपके लिए गाना गाऊंगी। अब बीवी को गिटार सिखाया है तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। पावर का वोल्टेज तो मैं बढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब चाहत जैसे ही वायर को कनेक्ट करेगी, नील की जगह बिजली का झटका चाहत को लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्लोक बिठाओ, पकड़ो। पावर की मेंस बंद कर देता हूं। श्रीकांत बेटा, कम ऑन चाहत, कम ऑन भाभी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ए, ऐसा आदमी है तू, उस दिन इतनी मार खाई, तेरी जगह मैंने मार खाई होती ना, ये शहर नहीं ये देश छोड़ देता मैं, तो फिर यहाँ चलाया मुंह उठा के। आज तेरा किस्सा ही खत्म कर दूँ तो। ए बुला, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हर बार ना तेरी मार खाना नहीं आया मैं, समझा ना? मैं चाहत को छेड़ने नहीं आया था, मैं ये पता लगाने के लिए आया था कि वो आदमी कौन है जिसने चाहत को छेड़ा। लेकिन तू मेरी बात सुनेगा क्यों? अरे हाँ, हूं मैं कमीना आदमी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बुरे काम मैं करता हूँ। मैं उस रात सोने के सिक्के चुराने आया था, चाहत को छेड़ने नहीं, और आज भी मैं वही पता लगाने के लिए आया हूँ। और वो जो कुछ भी आदमी है ना, वो पहचान का आदमी है, जिस आदमी की वजह से उस रात मुझे मार पड़ी, और जिसकी वजह से मुझे मार पड़ी है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा, तुझे लगता है तेरी बकवास पर मुझे विश्वास है? शादी ब्याह का माहौल है इसलिए चुप हो। चल चल, मेरी बात सुन। जलने की वो आ रही है, ये वायर जल रहा है, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ? ये देख बोला, ये नीलकंठ, किसी ने वोल्टेज का पावर बढ़ा दिया है। ओ भयंकर, इस वायर के साथ तो चाहत अपना गिटार कनेक्ट करने वाली है। अरे नीलकंठ, जाके रोक उसे, ये करंट लगेगा, मर जाएगी वो। मैं आप संभालता हूँ, जा जल्दी। किसी ने वोल्टेज का पावर बढ़ा दिया था, जहां तो करंट लग जाता, कुछ हो जाता तो। हाय हाय, ये किसने कर दिया है? और कौन? मैंने सुना था कि इस घर में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, कुछ भी गलत होता है, तो आलेख नौटियाल वहां पे होता है। इसके अलावा और कौन करेगा? ए, क्या बिना सोचो समझे मेरा नाम ले रहा है? कौन है तू? हाँ, मेरा नाम क्यों ले रहा है? तू ये बता, तूने पावर के साथ छेड़खानी क्यों की? मैंने नहीं की। तूने किया है। ए, बकवास मत कर, झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने नहीं, मैं बोला ना। ए, छोड़ छोड़, एक मिनट श्रीकांत, एक मिनट। तुम भी व्यास जी, ये काम आलेख का नहीं है। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगे, लेकिन आलेख ने चाहत की जान बचाई। और सौरा जी, मैंने चाहत को नहीं छेड़ा, कोई तो है दुश्मन नीलकंठ और चाहत की जिंदगी में। आखिर नील भैया और चाहत का दूसरा कौन दुश्मन हो सकता है? बाहर जो डेकोरेटर काम कर रहे हैं उनको पता होगा ना, उनको पता होगा कि इलेक्ट्रिक के साथ छेड़छाड़ किसने की है।
डेकोरेटर ने कहीं देख तो नहीं लिया मुझे? अगर उसने नील को मेरा नाम बता दिया तो मैं फिर से एक बार चाहत को खो दूंगा। नाम नाम क्या उसका? कार्तिक। कार्तिक 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 क्या हुआ क्या हुआ? कार्तिक तुम्हारे आदमी बाहर काम कर रहे हैं ना? हाँ। इलेक्ट्रिक बॉक्स के साथ छेड़छाड़ किसने की है? वोल्टेज का पावर किसने बढ़ाया? पूछ रहा हूं ना, किससे बता रहा है? वोल्टेज का पावर किसने बढ़ाया? पूछ रहा हूं ना। इधर देख, कौन था? बोलेगा कौन था? सर वो इलेक्ट्रिक का काम मैं ही करता और शायद गलती से वो वोल्टेज मेरे से बढ़ गया होगा। बाल बाल बचा। अच्छा हुआ एन वक्त पे मैंने इसके मुंह पे 5,000 रुपए ठूस के इसका मुंह बंद कर दिया। गलती से हो गया मतलब? तू बेवकूफ है क्या? पागल हो गया है? तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी बीवी की जान जा सकती थी। किसका तो मैं जान लेके रहूंगा? अरे नील भाई छोड़िए ना, वो कह रहा है ना उससे गलती हो गई है, जाने दीजिए ना। वैसे भी शादी ब्याह का घर है, फालतू में माहौल खराब होगा, रहने दीजिए। इट्स ओके, ऊपर चलिए, चलिए ऊपर। भाई तुम भी जाओ। अरे चलिए सब, ऐसे बड़े बड़े घरों में ऐसे छोटे छोटे टंटे होते रहते हैं, और वैसे भी कल शादी का माहौल है, बहुत थकावट होगी तो सब आराम करते हैं। चलो भाई। चलो बच्चों। चलो बच्चों आप लोग भी आराम कर लीजिए। तुम भी करना श्रीकांत। था शादी, शादी तो होके रहेगी, अलकनंदा के साथ फेरे नहीं होंगे बल्कि चाहत के साथ निकाह पड़ी जाएगी मेरी। बस एक दिन है मेरे पास यहां से चाहत को ले जाने के लिए, उसके बाद चाहत सिर्फ और सिर्फ मेरी है। नील चलिए ना, आप गुस्सा छोड़िए प्लीज मेरे लिए। नील कल इतना बड़ा दिन है, आप मूड खराब मत कीजिए ना अपना, रिलैक्स कीजिए। चाहत एक बार फिर तुमसे अलग होके जिंदा नहीं रह पाऊंगा मैं। नील आप कैसी बातें कर रहे हैं? चाहत तुम समझ नहीं रही हो, मुझे बार बार शक हो रहा है कि तुम्हारे आसपास कोई खतरा है। चाहत हम दोनों को कोई अलग करने की, नहीं नील, नील और चाहत को कोई कभी अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे पास क्या गारंटी है? जी हाँ मेरे पास गारंटी है, देखेंगे आप। खुदा ना खास्ता नहीं, अगर कभी मैं आपसे अलग हो भी गई ना तो ये देखिए, ये जो इस पेंडेंट में फोटो है ना, आप उसे देखकर मुझे याद कीजिएगा, और फिर पता क्या होगा, मैं दौड़ के आपके पास आ जाऊंगी और कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी आपको। चाहत चाहत तुम मेरे डर को लाइटली ले रही हो, समझे तुम? मैं भी देखता हूं इस बार इस गैर मजहबी को कौन बचाता है। कल का इंतजार है मुझे, क्योंकि कल मैं अपनी चाहत को नजरें चुरा के नहीं आतिशबाजियों के बीच में लेके जाऊंगा। मोहब्बत है ना तो फिर डर के लिए कोई जगह नहीं। चलिए अब गाना गा के बताइए। बताइए ना। चाहत बिल्कुल मूड नहीं है। मैंने तो ये गारंटी वाला लॉकेट वापस ले लूं। अरे
एक शर्त पे, तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। मैं बता नहीं रही नील, लेकिन डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने जा रहा है। प्लीज अल्लाह मियां, हमारी इस मोहब्बत की हिफाजत करना प्लीज। ये लीजिए दादू, मैं फूल लाया। रख दे नीचे। ये देखो श्लोक, मेरे पास दो दो कपूर है। चलो इनके नाम बताओ। कपूर के नाम थोड़े होते हैं। अरे होते हैं बाबा, एक रणबीर कपूर और एक करीना कपूर। अरे श्लोक दुआ, ये थाली ले जाके गोदाम्बरी को दे दो ताकि वो स्वास्तिक बना ले। ठीक है दादू। लाइए मुझे दीजिए, ये भी दीजिए। अरे हवन तो लगाने दे बारी, क्या कर रही है? बिल्कुल भी नहीं बाबा, सारा काम छोड़कर आप बीबी की गोली खाई। मुझे तो समझ में नहीं आता आप कैसे भूल जाते हैं गोली खाना। तुम्हें जानबूझ के नहीं खाता हूँ। जब तू डांट की गोली खिलाती है ना तो दवा ज्यादा असर करती है। बाबा अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो फिर कौन याद दिलाएगा आपको? खबरदार ऐसी बात की तो। बाबा मैं तो बस ऐसे ही कह दिया। नहीं, यह हवन मनुष्य की इच्छाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का द्वार होता है। इसके सामने कही हुई कोई भी बात सत्य हो सकती है। एक बेटी खो चुका हूं पहले, दूसरी नहीं खोना चाहता। बाबा आप परेशान मत होइए, मुझे कुछ भी नहीं होगा और नील है ना, मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपनी बीबी की गोली खाना नहीं भूलेंगे, प्रॉमिस। चलिए अब आप काम शुरू कीजिए, मैं भी आती हूँ। हे प्रभु, बुआरी की बात को सत्य मत होने देना। अम्मा, द्वार पे स्वास्तिक सबसे बड़े को बनानी होती है, फिर आप क्यों नहीं बना रही है? मेरी बेटी कौन सी मेरी मर्जी से शादी कर रही है जो उसकी रस्मों का हिस्सा बनूं मैं? स्वभाव से चंचल हूँ, लेकिन मेरा मन ही जानता है कि दुखी हूँ मैं। मैं नहीं बना सकती। जाओ तुम दोनों यहाँ से, अपनी माँ से बोलो। बेटा ये मुझे दो और तुम दोनों जाओ। जानती हूँ मामी कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि मैंने भोपो भैया और नवेली के रिश्ते को जोड़ने के लिए साथ दिया। मामी आपने जितना नाराज होना है आप हो जाइए, लेकिन आज के दिन नहीं। आज का दिन नवेली के लिए बहुत खास है। नवेली मेरी बहन जैसी है और आप मेरी अम्मी जैसी,
मैं कभी आप दोनों का बुरा नहीं चाहूंगी। मेरा यकीन मानिए मामी, जब नवेली बूबू भैया के साथ होती है ना, उसके चेहरे पर अलग ही खुशी, अलग ही रौनक होती है। आज प्लीज उसे आशीर्वाद दे दीजिए मामी। अगर आप नवेली को आशीर्वाद नहीं देंगे तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्लीज प्लीज ये स्वास्तिक बनाकर रस्म को पूरी कीजिए। ठीक है, बना देती हूँ। आइए लाइट में पकड़ती हूँ। चाहत कहाँ चली गई? अभी तक नहीं बताया शादी में कौन सी शेरवानी पहनू मैं, फिर देखेगी मुझे तो चिल्लाएगी ऐसे। नील, अभी तक आप तैयार नहीं हुए, थोड़ा और दूर डालिए ना। जी हाँ। या अल्लाह भाईजी, एक काम कीजिए, लकड़ियाँ कम कीजिए, खाना जल जाएगा। भाईजी प्लीज इसमें आग जलाइए ना। जी तुम्हारी अम्मी कहाँ है? बाबा माँ तो बाहर आंगन में है। हमें भी तैयार होना ना, चलो चलो। चाहत, चाहत, मैं यहाँ हूँ, क्या हो गया? चाहत, क्या हो गया? अल्लाह मियाँ, नील आपने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए। नील बराती बस आने ही वाले होंगे और आप आज भी हमें लेट कराएंगे। चले जाइए, अपने कपड़े चेंज करके आइए, जल्दी जाइए। चाहत, चाहत, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। सपने में देखा कि तुम मुझसे दूर चली गई हो, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तुम गायब हो चाहत। आप मुझे हिंट दे रहे हैं ना कि मैं आपसे दूर चली जाऊं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप जानते हैं ना, आप बिल्कुल भी लकी नहीं है कि आपको इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा मिले। मैं कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने भी नहीं दूंगा। नील, आप कपड़े चेंज करने का क्या लेंगे? आप कपड़े चेंज करेंगे भी या नहीं, नील आप समझ क्यों नहीं रहे? बराती बस निकलने ही वाले होंगे और वैसे भी इन कपड़ों में मैं आपकी प्रॉमिसेस सुनूंगी नहीं। चलिए चेंज कीजिए, चलिए मैं आपके लिए निकाल देती हूँ कपड़े, ठीक है? चलिए चलिए, जल्दी चलिए, बहुत लेट हो रहा है। अरे आ गए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम आखिर यहाँ क्यों आए। अरे खजाना जी, अब इस परिवार से बदला लेने के लिए सिर्फ हम दोनों काफी नहीं है, हमें तीसरे साथी की तलाश करनी होगी। वो जो तीसरा साथी है ना, वो नीलकंठ और चाहत को अलग करना चाहता है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए हम यहाँ आए। अब चलिए चलिए, नाचते रहिए, आगे बढ़िए। बस थोड़ी ही देर में मैं और तुम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे चाहत।